ये है हमारी MR15M और इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होगी। गाइस सुपर बाइक आ रही है, वो भाई अरे उनको नहीं पकड़ पाएंगे भाई, वो हवा है, उनको रोकेंगे क्या? रोकेंगे यार, तो ऐसे ही रुक जाएंगे वो, हाथ दे देना। अरे नहीं रोकेंगे वो, रोक देंगे यार, अरे नहीं रोकेंगे, मेरे को पूछो इतने यार जल्दी, अबे रोकेंगे, अरे मेरे को मिस नहीं करना प्लीज भाई, भाई रोकेंगे रोकेंगे वो। ये भगवान जी हमारे, जय बजरंग बली जय श्री राम। ओ माय गॉड, ग्रीन ग्रीन, वेरी क्लीन, सो ब्यूटीफुल, नज़र नहीं हट रही यहाँ से। लेकिन ये रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक और रिस्की है, जैसे कि आप देख रहे हो फेंसिंग नहीं है उतनी ज़्यादा और नीचे बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल नोमैडिक रुपेश। और आप सोच रहे होंगे अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम हैं गेठिया वाले पुल पे और ये नई नई बाइक दिख रही होगी, तो ये नई बाइक है हमारे प्रियांशु भाई की जो कि हमारे साथ बैठे हैं। हेलो भाई लोगों, और अभी हम यहाँ पे गेठिया के पुल पे हैं, हम थोड़ा आगे तक जा रहे हैं यहाँ से एंड नीचे देखो क्या नज़ारा है, मस्त सा पानी आ रहा है, बहुत सुंदर। थोड़ी देर पहले नरेश भाई लोग भी थे हमारे साथ में, सोनू भाई, वो मेरी बाइक लेके घर जा चुके हैं, बट हम लोग इधर को आ गए। तो अभी हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, आज हम करेंगे एम की थोड़ी सी सवारी, देखते हैं एम कैसी है। एम तो वैसे बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, इतना स्मूथ प्ले है इस गाड़ी का, क्या ही बोलूँ मैं। और लोगों के रिएक्शन देखे अभी कैसे देख रहे थे रिएक्शन एक नंबर मिल जाता है इसमें, और सामने पहाड़ भी गजब हो रहे हैं। और ये रोड हमारी जो जाती है ना, ये जाती है हमारी भवाली को, और इस रोड में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे, इतने सुंदर सुंदर, क्या ही बताऊँ। तो हम चलने वाले हैं थोड़े प्यार से ही, क्योंकि अभी नई नई गाड़ी है, इसका नंबर भी नहीं आया है। तो मज़ा तो आ रहा है मतलब इसको चलाने में, और जो इसका डिजिटल मीटर है भाई, वो तो इतना प्यारा लग रहा है ना, मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। अगर यही वाला डिजिटल मीटर यामा V4 में भी देती तो बहुत ही मज़ा आ जाता। बाकी आपको गाड़ी के सिनेमैटिक में दिखाऊंगा, वहीं पे रुक के बनाएंगे हम। ओ देखो सामने क्या है, आई थिंक ये मंदिर है, मंदिर है क्या? यस ये मंदिर है, अपनी रोडवेज की बसें ये तो ऐसे चलती है ना, है इन्हीं का राजे वाली बात है सब कुछ। सामने नैनीताल दिख रहा है गाइस, वो अपना नैनीताल है, बादल वादल लगे उस तरफ को, मस्त बारिश हो रही होगी। यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट खुल गए हैं, भवाली इज ओनली 13 किलोमीटर फ्रॉम हियर, थोड़ी इंग्लिश भी आती है मुझे, ऐसी बात नहीं है। ओह माय गॉड, सामने हमारे हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। ये भगवान जी हमारे, जय बजरंग बली जय श्री राम। एंड ये हमारा पायलट बाबा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर, आज तक यहाँ गए तो नहीं है कभी, नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी नहा धो के तो यहाँ चलेंगे वाली बात है, क्योंकि हो नहीं पाता यहाँ जाना एकदम। जय भगवान जी, नीचे शेर कितने बड़े थे ना, और देखो गणेश जी की मूर्ति इतनी प्यारी, पीछे से गाड़ी वाला डिस्टर्ब कर रहा, मैं आपको यहाँ भगवान जी की मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ गाड़ी वाला डिस्टर्ब कर रहा। तो यहीं कहीं हम लोग रील लाएंगे, कोई मस्त सा एरिया देखते हैं। वैसे आगे भी एक एरिया है बहुत अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। बहुत स्मूथ चल रही है, देखो पांचवें गियर में भी इतना आराम से चला रहा हूँ, बहुत ही प्यार से चल रही है, इवन टर्न भी ले लेगी इजीली पांचवें गियर में, बहुत स्मूथ बहुत स्मूथ। यहाँ से आ गए ग्रासलैंड्स, यहाँ से अपने ग्रासलैंड आ गए, देखो ओह माय गॉड, यहाँ पे आ गए, ठंडा होने लग गया है। गेठिया सैनिटोरियम है इस जगह का नाम, और वहाँ पे वो दिख रहा होगा, वो बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी अभी थोड़ी देर में, वो हाँ वो होटल है, उसी के सामने बहुत प्यारा व्यू आता है आई थिंक ना, वहाँ पे हम लोग रील्स बनाएंगे। ओके ये क्या है, एकदम गार्डन जैसा बना रखा, इतने बढ़िया पेड़ लगे हैं, अबे बैठने के लिए तो एक नंबर जगह है, रेस्टोरेंट खुल जाता ना यहाँ पे मज़े ही मज़े हो जाते। आ गया ट्रक, घर वर बने हुए घर है, रिजॉर्ट है, पता नहीं क्या है ये, तो कुछ रिजॉर्ट कैफे, ओके कुछ नया कैफे खुला हुआ है यहाँ पे, येलो कलर का, येलो टी मिलती होगी। वो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, ग्रीन लैंड जैसे, वैसे ग्रीन लैंड गया नहीं हूँ मैं, लेकिन वो लैंड ग्रीन दिख रही है, तो मैंने ग्रीन लैंड बोल दिया। तो देख के ओवरटेक करें गाइस, ऐसे कहीं पे भी ना करना चाहिए। होटल्स की भी कमी नहीं है भैया, होटल खुले हैं बहुत।
करिए। हालांकि वहाँ पे बहुत ज्यादा जाम होता है। बिल्कुल वैली आ गई हमारी भवाली की यहाँ पे सामने। ये देखो, ओ माय गॉड, क्या पहाड़ दिख रहे हैं यार। इस बार ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि बरसात के मौसम में सब ग्रीन ग्रीन। हाँ, बरसात में सब ग्रीन हो जाता ना, तो मतलब वैली तो यार एक नंबर, बहुत ही ज्यादा प्यारी दिख रही है, बहुत ही ज्यादा प्यारी। एक ड्रोन होता तो मजा ही आ जाता। ओ माई गॉड, ग्रीन ग्रीन, वेरी क्लीन, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये है एकदम पतली रोड। ऐसी रोड में जाता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया से बाहर चला गया हूँ कहीं। चार पांच बाइक है तो और मजा है। सिंगल सिंगल होती इसमें सब सोलो चलाए ना, ये बात तो सही गई। किसी दिन आएंगे अपनी बाइकों का ग्रुप लेके इस रोड में फिर से। खूपी पहुंच चुके हैं हम। इस जगह का नाम है खूपी, बड़ा अलग नाम है यार। ये रोड है, कपाल चीजें है, खूबसूरत है। और ये मंदिर आ गया हमारा यहाँ पे, एक भगवती माता का, जय माँ भगवती, जो है हमारे उत्तराखंड की कुल देवी है। ये वाला जो मोड़ है ना, इस मोड़ पे अगर बाइक लगा के रील्स बनाए जाए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। हाँ, क्योंकि ये इतना खूबसूरत मोड़ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पहाड़ है, क्या ही बताऊँ। ये दद्दा को जान देते पहले। ये दद्दा बहुत देर से कह रहे थे हैं लॉर्ड ऑल्टो राइट। इस तरफ का मौसम ही अलग है, मतलब ये थोड़ा अलग हिस्सा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब आसपास का होगा। हाँ, क्योंकि दूर है। बहुत प्यारी आवाज आएगी। ओ माई गॉड, व्हाट अ रोड यार, सैल्यूट। एक लाइक तो बनता है गाइस इस रोड के लिए। एक लाइक और एक कमेंट कर देना अगर तुमको लोकेशन बहुत प्यारी लग रही है तो। ठीक है गाइस, और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, चैनल पर नया आओ तो, क्योंकि ऐसे नज़ारे आपको बार बार देखने को कहाँ मिलेंगे, यही मिलेंगे इस चैनल में। वो जय माता दी। अभी सुंदर पहुंचे नहीं है। और यहाँ पे कुछ गधेरा सा, ये नीचे गधेरा है। ओ वाओ, पूरा पानी बह रहा है वहां से। हाँ गाइस, ऐसे गधेरों में मत जाना अगर बाहर से आ रहे हो तो, यहाँ छल लग जाता है कहते हैं, मतलब भूत या भूतनी लग जाती है, मसाण भी कहते हैं उसको, आप मानो ना मानो वाली बात है। सुंदर जंगल। मेरा कोई ब्लॉग बनाने का गाइस प्लान नहीं था, बट सडनली हो गया, होना होगा आई थिंक, ब्लॉग बनना होगा। ये पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, तुम्हारे ब्लॉग में तगड़ा कंटेंट आने वाला है। खूबसूरत वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ आ गई, देवदार के पेड़ दिख रहे हैं और इतना हरा भरा मौसम ना, ये मानसून के टाइम पे जो होता है ना पहाड़ों में, कहते हैं खूबसूरती होती है, थोड़ा डेंजरस होता है लेकिन खूबसूरत बहुत होता है। ये है, अगर हम यहाँ से ऊपर के पहाड़ों को जाएँ, जैसे कि अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ साइड हो गया, मुंशारी हो गया, वो इस समय इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, आई कैन टेल यू। लेकिन हम लोगों का गाइस थोड़ा बजट ना इशू रहता है हमेशा से ही, क्योंकि हमारे यूट्यूब से इतनी इनकम हो नहीं पाती है और हमारे पास कोई जॉब है नहीं। उस तरह पहाड़ देखो तो हमारे पास कोई जॉब भी नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास थोड़ा इशू रहता है, हम इतना नहीं बना पाते हैं। बट एक दिन ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट, बस चैनल पे बने रहना वाली बात है। बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि मेरे को इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है बोलने की, शायद इस खूबसूरत मौसम को देख के ही आ रही है, वरना बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि मैं ब्लॉग में एकदम इतनी एक्साइटमेंट के साथ बोलूँ। ये है, वाओ ब्यूटीफुल यार, अमेजिंग, अनएक्सप्लेनेबल। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, हर मोड़ के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा आते जा रहा है, मतलब कहीं पे ऐसा बन नहीं कर रहा कि मैं कैमरा ऑफ कर दूँ, बंद करो बस। हैं, टैंकी फुल हो, रोड खत्म ही ना हो। हाँ, टैंकी फुल हो, रोड खत्म ही ना हो, भाई ने सही बात कही एकदम।
वैसे रोड तो कहीं नहीं ख़त्म होती है, लेकिन टैंकी टैंकी हो जाती है, उसमें तेल फ्यूल अप करना ही पड़ता है वाली बात है। वाह यहाँ पे भी अच्छी आएगी ऐसे बाइक लगा के, यहाँ पे दिल बना है। ओह माय गॉड व्हाट इज दिस मैन, यहाँ पे ही बनाते हैं, पहले दिखा लाता हूँ, यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। ओके तो गाइस यहाँ तक ही आ रहे थे हम लोग, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ से फिर बाद में डिसाइड करेंगे भीमताल से जाना है कि नैनीताल रोड से जाना है, कि पास तो ही पड़ेगा अब भवाली 4 किलोमीटर, एंड आगे से यू टर्न लेके आपको दिखाता हूँ। वो होटल कहाँ गया, चला गया वो, आगे है ना, आगे है, है। इधर चला गया क्या, ये भी हनुमान जी का मंदिर है, जय भगवान जी की जय। अच्छा पीछे से ही दिखेगा, ठीक है मोड़ के बाद मोड़ता हूँ। अच्छा ये वाला होटल है, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है, ये व्यू वहाँ से पीछे से दिख रहा था। ओके हैं नैनी किंगडम, इस होटल का नाम नैनी किंगडम है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, पीछे से दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। दूर से कितना बड़ा लग रहा था, पास से उतना नहीं लग रहा, लेकिन है बहुत बड़ा है गाइस, ये खूबसूरत तो है, ये बात तो है। न्यूट्रल हो जा गाइस, एंड गाड़ी न्यूट्रल कर दी है फिलहाल, और आगे जाके रुकेंगे हम। वाओ ब्यूटीफुल, मेरा तो मतलब मन ही नहीं कर रहा भाई जाने का यहाँ से, DSLR हो तो मजा ही मजे, कितनी प्यारी लग रही है रोड। कहाँ पे रुकना है मेरे को बता देना, यहाँ पे आगे मोड में कह रहे थे तो। जय श्री राम जय हनुमान। ओके ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल, वो वाले मोड पे जहाँ पे अभी कार पहुँची है। अरे भाई अरे भाई नजर नहीं हट रही भाई, हल्द्वानी तो दिखेगा ही इस तरफ, हाँ नजर नहीं हट रही यहाँ से, लेकिन ये रोड बहुत ज्यादा खतरनाक और रिस्की है, जैसे कि आप देख रहे हो फेंसिंग नहीं है उतनी ज्यादा, और नीचे बहुत ही ज्यादा गहरी खाई है, यहाँ पे तेज चलना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। कहाँ पे लगाओ, यहाँ पे तो यहाँ पे लगाते गाइस, थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, इस जगह पे हम गाड़ी को लगाते हैं, पहले गियर में डालते हैं और पूरे पांव नीचे रख लेते हैं ताकि प्रियांश भाई आराम से उतर सके। वाओ तो ये वाला होटल दिख रहा था, एंड एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये है हमारी MR15M, और इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होगी, आई नो। और वो जो सामने पहाड़ दिख रहे भाई एक नंबर, और वो जो दूर दिख रहा है उस तरफ वो है अपना हल्द्वानी, और नीचे देखो यहाँ पे कितने कितने सारे घर बने ना, मतलब खूबसूरत खूबसूरत से, ओह माय गॉड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं घर। ओह और उसी के साथ हमारी एम भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये बिल्डिंग चेक करो, ये है नैना किंगडम। ओके बहुत दूर से नजर आ रहा है, और तो बहुत मजा आया यार एम चलाने में, मतलब क्या ही बताऊं, और इस टाइप की इस वैली में चलाने में तो और ज़्यादा मज़ा आया। ये देखो वहाँ से रोड दिख रही है, उस रोड से आए हम लोग, वो जो रोड दिख रही है सामने, ये अपने प्रियांश भाई सुपर बाइक आ रही ओ भाई आवाज़ सुन सुपर, अरे मजा भाई वहाँ से सुपर बाइक आ रही है, तुमने बोला और आज आ गई। अरे भाई ये तो हो गया वैगन ऊपर, सुपर नहीं ऊपर, क्या बोल रहा हूं सुपर से ऊपर। अरे वैगन मैं कह रहा था आ रही आवाज आ रही भाई, अभी थोड़ी देर में पहुंचती होगी आने वाली सुपर बाइक, मैं वेट करूंगा पूरा, मैं भी वेट करूंगा गाइस, सुपर बाइक दिख जाना तो भाई सुन दादी दिन जो होता है ना धन्य हो जाता है वाली बात है। हां तो फिर रील बनाते हैं, इसमें बैटरी लो। ओके चलो सुपर बाइक का वेट करते हैं, जैसी ऊपर आएगी हम लोग फिर कैमरा ऑन करेंगे। गाइस सुपर बाइक आ रही है, उनकी आवाज ऐसी आ रही ना वहाँ से, वो उस मोड़ पे है। अभी दो है ना, तीन चार है, भयंकर है, ऐसी खींच रखे है ना उनने, वो भाई आवाज
पीछा पीछा मत करो यार, नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं रोकेंगे ना, वीडियो बनाएंगे थोड़ा, इनको यहीं पे रोक ले, इनको रोकेंगे। अरे नहीं रोकेंगे ना, चलो अरे रोक देंगे यार। अरे पोजीशन में गलती से वो हाथ, अरे उनको नहीं पकड़ पाएंगे भाई, वो हवा है, उनको रोकेंगे क्या? रोकेंगे यार, तो ऐसे ही रोक जाएंगे, वो हाथ दे देना। अरे नहीं रोकेंगे वो, रोक देंगे यार। अरे नहीं रोकेंगे, मेरे को पूछो चलो यार जल्दी। अरे मेरे को मिस नहीं करना प्लीज भाई, रोकेंगे रोकेंगे। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे भाई पकड़ो फोन, पकड़ो जल्दी आओ। कहाँ? मैं चलाऊं। अरे यार मेरा ये पहनने में टाइम लगता है। इसको मेरे बैग, उसको पकड़ो। पीछे पीछे आना सही नहीं है यार, वो भी डांटेंगे खाली। अरे नहीं यार डांटते भाई। आ गई भाई, इनका वीडियो बनाओ और चल रहे। तुम GoPro ऑन करना, बस GoPro ऑन करना। गाइस बाइक आने वाली है, सुपर बाइक्स। अगर यहीं पे रोक देते तो ठीक है, उनको रोक ले। अरे वो रोक लेंगे वो। अरे रोक लेते हैं भाई, वो कभी कभी लेट भी होती ना इनको, हम उनके पीछे ना नहीं रोकते हैं भाई, वो यहीं से हाथ देना उनको। पहले हाथ देंगे रुकने तो ठीक है। नहीं तो गाइस थोड़ा स्लो ही चलना। ओ आएगा व्यू, बनाते हैं हम तब तक रील। एंड सुपर बाइक आने वाली होंगी पीछे से, उनका वीडियो बनाऊंगा यहाँ से, फ़ोन में बनाऊंगा। आईफोन में बहुत प्यारा आएगा, क्योंकि यहीं पर ट्राई करना, रुक जाएंगे तो यहाँ से बहुत प्यारा आएगा। वेटिंग फॉर देम, मुझे लगता है रुक गए। मैं कहता रहा था बहुत तो अंदर है यार, भी यहाँ पाएंगे वो रुक गए हैं शायद। तब तक आप ये चेक करो, लुक चेक करो भयंकर। एम का भाई के साथ और ये वैली, और हो सकता है कि आप पता कहीं पर खाने पीने ना रुक गए हों। अगर वो नहीं आए थोड़ी देर तक तो हम यू टर्न लेके नीचे चल देंगे, क्योंकि वो आसपास में जरूर रुके होंगे। अगर वो नहीं आए तो मुझे लग रहा रुक गए हैं वो। नहीं रुकूंगा यार, नहीं रुकूंगा। ये तो है। ओ भाई साहब, हम भैया लोग का वेट कर रहे थे ऊपर, भैया लोग यहाँ मिल गए। वेट कर रहे भैया आप लोग भाई। दूर से आवाज आ रही थी, हम कह रहे थे अभी आएगी गाड़ी आई नहीं, हमने पक्का नीचे रुक गए होंगे। ओह माय गॉड, हेलो भैया, हेलो। पहले से आवाज आने लगी। हाँ वो उतनी दूर से आवाज आ रही थी, हमने कहा आएंगे पक्का आएंगे, हम यहाँ रुकते हैं आगे, फिर आवाज ही नहीं आई, हम नीचे को आ गए उसके बाद। हाँ लोकल के ही है। अच्छा खटीमा से पास ही में उधर। हाँ माय गॉड यार, टायर तो देखो, जेट राइडर UK03। कौन सी गाड़ी है भाई? वही है ना जिसको मैं सोच रहा हूँ। ओह माय गॉड, वो तो ट्रायम की है। ट्रायम ड्यूक 390, ये तो पावरफुल मशीन है, खैर सिंगल सिलेंडर में, बाकी वो इंटरसेप्टर। ओह भाई नसीबी हो गई सही में देखने को, ये तो वही है कावासाकी जी 800 है शायद। मोटो सी टू है, गाड़ी साइड लगा ले थोड़ा अंदर को, ये ठीक है, वैसे रोड से अंदर ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई ये एग्जॉस्ट में पहली बार देख रहा हूँ, भयंकर मजा ही आ गया देख के। हेलमेट AGV। ओ भाई साहब मस्त, भैया लोग बैठे हैं यहाँ पे, भैया लोग की गाड़ी है। ओ भाई साहब मजा आ जाता है देख के भयंकर, इसकी आंखें कितनी अलग हैं भयंकर। आवाज़ तो बड़ी दूर से आ रही थी यार वो सही में, ये कितनी खतरनाक लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ Z800 है शायद ये, भाई 800 ही है। हाँ नहीं 900 है, 800 है ये, है Z800। देखा मैंने कहा था ना रुक गए होंगे भैया। नो गैंगस्टर गुरु ट्रैम मोटो 2। तो गाइस अब भैया लोग भी जा रहे हैं और हम भी निकलते हैं यहाँ से, एक बार गाड़ी का साउंड सुन लेना आप अभी। भाई लोग सुनना गाड़ी की आवाज़, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको सुन के। सारी गाड़ियाँ लग गई हैं, एक भैया ये वाले भी आए हमारे, इनकी ड्यूक 250 है यहाँ पे। आप देखो भाई तुम साउंड सुनो, बाकी छोड़ो ये फोर सिलेंडर का साउंड जो आता ना भयंकर। फाड़ दिए भाई, कान फाड़ दिए। ओ भाई साहब मजा ही आ गया। वाह ब्यूटीफुल।
भी आ रही है। भैया लोग के साथ साथ चल रहे हैं, मजा आएगा। आगे आगे सुपरवाइजर, पीछे पीछे हम। शायद भीमताल ही जा रहे हैं, हम चलते हैं अब घर पर। आप लोग यहीं जा रहे भीमताल? अल्मोड़ा कैंसिल? अच्छा, तो मैंने कहा आपने घर को मोड़ ली गाड़ी। तो भैया लोग कहीं भीमताल आए हैं, हम लोग निकलते हैं हल्द्वानी को। आप लोग रुक गए? तो भैया लोग रुक गए भीमताल, हम निकल रहे हैं हल्द्वानी। मजा आया लेकिन साथ में भैया लोगों को। हाँ तो ठीक है भाई, यहाँ से हम निकलते हैं हल्द्वानी को, भैया लोग बोलते हैं। ठीक है भैया, मिलते हैं आपसे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत बहुत मज़ा। ठीक है यार भाई, मिलते हैं, मिलते हैं। ओके ठीक है भैया, मज़ा आपके साथ राइड करके। ओके चलो आराम से। हाँ यहाँ से डाउन है पूरा, दो चेतन मिल गया, मज़ा आया, फील था बहुत ज़्यादा। गोप्रो निकाल रहा है, गोप्रो निकाल दो, निकाल। भाई अभी हम भीमताल पहुँचे हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं, एंड इसी के साथ इसी प्लेस में अपना वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की राइड में, बहुत ही ख़तरनाक राइड हो गई थी, मज़ा आ गया था। पहले तो मस्त सी लोकेशन देखी हमने, उसके बाद सुपर बाइक के साथ हाइपर राइड हुई, और अब ये लेक के पास हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड वीडियो में सॉरी एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो करते हैं लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी मस्त से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल। नज़ारा देख लो लास्ट में। Bye. Love you.